हे hey, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करता हूँ आप सारे लोग सही होंगे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको ज़्यादातर लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। आप भी सोचते होंगे, बट आपने जैसे मैं सोचता हूँ वैसे क्या पता कितने सारे लोगों ने सोचा होगा या नहीं भी सोचा हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ AI के बारे में। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा दिमाग जो कि हमारे ह्यूमन से मिलता है, एक ऐसा रोबोट, एक ऐसा ह्यूमनॉइड जिसे हम इंसान इंसानों की तरह से बना रहे, इंसान की तरह दिखने के लिए बना रहे, इंसान की तरह काम करने के लिए बना रहे, और कुछ लोग हथियार के रूप में भी बना रहे। बट हमें ये ज़रूर से पता है कि जब AI अब से ग्रो होने लगी है तो आने वाले टाइम में AI हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपने कामों में। अपने जो बड़े बड़े काम होते हैं जिसको हमें करने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, वो AI सिर्फ थोड़े समय में, बहुत शॉर्ट टाइम में फटाफट पूरी कर सकती है। ये तो हो गई AI की एडवांटेज, मगर हमें डिसएडवांटेज तो दिखता ही नहीं, क्योंकि हमें सारे लोग, सारे टीचर्स, सारी किताबें तो यही पढ़ा दी है AI इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन। बट क्या आपने यह सोचा है कि AI के डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियली किसी को इंटेलिजेंट बनाना। सोच कर देखिए ना, अगर एक ऐसा टाइम आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के पास में खुद की सोचने की शक्ति होगी, खुद की डिसीजन लेने की राइट्स होगी, तब हमारे लिए AI काम करेंगे या AI के लिए हम काम करेंगे? पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, बट फ्यूचर को जरूर से पता है कि क्या होने वाला है। हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, सारे लोगों ने जाने से पहले एक बात जरूर से कही थी कि AI एक ऐसी चीज हो सकती है जिससे हम ह्यूमंस को खतरा है, बहुत ही ज्यादा, एलियन से भी ज्यादा AI से खतरा है हम लोगों को। बट हम लोगों ने तो माना ही नहीं उनकी बातों को। हम लोग तो बस अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने, अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने कामों को डेवलप करने के लिए AI को डेवलप किया, एंड अब एक AI की बिगिनिंग स्टेज आ चुकी है। AI आज से रूप लेना शुरू हो चुका है, और आने वाले कुछ समय में AI खुद का रूप भी ले लेगा। लगता है आपको वो बात याद नहीं है जब फेसबुक ने एक AI बनाया था। एक्चुअली फेसबुक ने दो AIs बनाए थे, और दोनों को आपस में बात करने के लिए अकेला छोड़ दिया। तब क्या आपको पता था कि वो क्या बात करेंगे? खुद फेसबुक ने टेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, ना कोई प्रोग्रामिंग की, ना कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनको छोड़ दिया। तब उन्होंने एक ऐसी बातें की, ऐसी लैंग्वेज में बात की जो कि ना आपको पता थी, ना फेसबुक के इंजीनियर्स को पता थी, ना मार्क जुकरबर्ग को पता थी। वो दो AI एक ऐसी लैंग्वेज में बात करने लगे जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस ही नहीं करती वो लैंग्वेज। उन दोनों ने खुद कुछ घंटों में, कुछ टाइम के अंदर एक नई लैंग्वेज डेवलप कर ली, और उस लैंग्वेज में बात करना शुरू हो गए, एंड वो सिर्फ एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे, फिनिश ह्यूमन, इंसानों को ख़त्म करो। क्या आपको सब झूठ लगता है? आप खुद गूगल पर जाकर सर्च करके देख सकते हो कि उन दो AI ने क्या बातें की थी। ब्रीफली, मैं खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, एंड हाँ मैं भी AI के काम में हूँ, मुझे भी पता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी है जो मान रहे हैं कि AI हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, पिरामिड को एक्सप्लोर करने में, स्पेस को एक्सप्लोर करने में, इंटरस्टेलर को एक्सप्लोर करने में, मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने में, धरती के अंदर तक एक्सप्लोर करने में। बट अगर AI को खुद डिसीजन लेने की क्षमता आ गई, खुद इमोशनल कंट्रोल करने की क्षमता आ गई, तो नहीं बता सकते आगे क्या होने वाला है। आशा करता हूँ आप सारे लोगों को थोड़ा सा इमेजिनेशन मिला होगा कि अगर AI को डिसएडवांटेज में देखा जाए तो एडवांटेजेस से ज़्यादा तो डिसएडवांटेजेस मौजूद है। तो बस दोस्तों, मुझे यही कहना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे यार और वीडियोस देखने के लिए। तो बस आज का वीडियो इतना था, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।